नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएसपीएल लिमिटेड के बारे में, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट एलएनजी, जिसका शेयर हमने बहुत ही अच्छे दाम पे रेकमेंड किया था और काफी ऊपर चढ़ा है। उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि उसमें क्या नया न्यूज आया है और ब्रोकरेज कैसे टारगेट दे रहे हैं। उससे पहले कल जो हमने ये स्टॉक रेकमेंड किया था मॉर्फिन लेबोरेटरी पोजिशनल कॉल के तौर के ऊपर, वो एक ही दिन में काफी अच्छा बढ़ चुका था, 10% से ज्यादा मुनाफा आपको मिल रहा था। तो अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है पोजिशनल कॉल के लिए, 10% काफी इनफ होता है, तो आप इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर आपको लॉन्ग जाना है तो आप लॉन्ग भी जा सकते हैं, बट स्टॉप लॉस जो है वो हमारा 27 रुपीज के आसपास आ रहा था, उसको 12 स्टॉप लॉस करके यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा के आगे बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं जीएसपीएल के बारे में। जीएसपीएल जिसको हमने 179 के आसपास फर्स्ट टाइम रेकमेंड किया था, और जो स्ट्रेटेजी मैंने आपको 25 जनवरी को बताई थी कि स्टॉक गिर रहा है, और आप देख सकते हैं कि 25 जनवरी को जो 196 रुपीज 195 का क्लोज था, तब हमने बोला था कि ये आगे पहले भी बहुत बार ऐसे नीचे करके बहुत ही ऊपर गया है, तो हमने यहाँ पे आपको रेकमेंड किया था अगर अपना बाइंग होता है तो अराउंड 194 से लेके 199 के आसपास बाय होता 27 जन का। और उसके बाद ये स्टॉक ने यू टर्न लिया और ये स्टॉक बहुत ही अच्छा ऊपर जाके 233 आया है। तो यानी कि हमने जो रेकमेंड किया था 199 के आसपास या 194 के बीच में कहीं भी आपने लिया हो, वहां से काफी अच्छा मुनाफा आपको यहाँ पे मिल चुका है। अब इसको डिस्कस करने की वजह क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लास्ट टाइम ये 238 का हाई बनाया था और उसके बाद इसने डाउनवर्ड जर्नी स्टार्ट की थी, तो यहाँ से वो काफी बढ़ चुका है, तो पॉसिबिलिटी है कि प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। अब फंडामेंटल चेंजेस के ऊपर डिस्कस करते हैं, तो रिजल्ट काफी अच्छा आया है, ईपीएस में सुधार मिला है और ब्रोकरेज ने भी टारगेट अपग्रेड किए हैं। हमने हमारा आपको टारगेट 179, जब ये लेवल था अराउंड 179 के आसपास का, तब हमने आपको 300 का टारगेट दिया था फंडामेंटली और टेक्निकली, क्योंकि उसका जो प्रीवियस हाई है वो अराउंड 264 के आसपास का था और वहां से वो आराम से 300 तक कर सकता है, क्योंकि इसकी जो सब्सिडरी है गुजरात गैस, उसको काफी बहुत ही अंडर वैल्यू किया जा रहा है। अगर उसका अगर ईपीएस गिना जाए तो इसमें बहुत ही अच्छा मुनाफा बन सकता है दोस्तों। बट अभी यहाँ पे 233 पे क्या करें उसके ऊपर देखते हैं। तो ये 238 का एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस हम मान के चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से वो नीचे गया था। बट अब हम सीधा मंथली चार्ट के ऊपर चलते हैं और मंथली चार्ट के ऊपर क्या निकल के आता है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। ये जीएसपीएल का मंथली चार्ट है, आप में स्टार्ट ये जो स्टॉक है इसको जूम किया है चार्ट को पूरा, और आप देख सकते हैं कि मंथली चार्ट के ऊपर इसका व्यू, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है दो मंथ का, दिसंबर 17 और जनवरी 18 का, जब मार्केट टॉप पे चल रहा था, स्मॉल कैप मिड कैप हाई पे चल रहे थे, उस टाइम के अराउंड 229 का इनका जो था रेजिस्टेंस यहाँ पे बना था, और उसके बाद ये स्टॉक नीचे गया, बहुत ही ज़्यादा नीचे गया, फिर आपने आप देख सकते हैं कि एक बार दो बार टच किया बट नहीं हो पाया, जब क्रॉस किया तो सीधा 263 तक आया और फिर वो डाउन आ गया और फिर कभी भी वो ऊपर जाने की क्षमता नहीं रखी थी। अब देख सकते हो कि ये मंथ में भी अगर ऊपर गया तो 237 पे जाके वापस आया, यहाँ पे भी जाके वापस आया, यहाँ पे भी गया, तो अभी हम फेब्रुआरी मंथ के ऊपर है और अभी काफी टाइम बचा हुआ है, तो इसको हमें वॉच करना पड़ेगा कि ये इसके ऊपर बंद होता है तो एक नए टेरिटरी में जाने की शक्यता है और लॉन्ग टर्म पॉजिटिव के लिए हो सकता है। फंडामेंटल में चेंज आया है तो चांस है कि प्रॉफिट बुकिंग ना हो यहाँ पे इस लेवल के ऊपर जो लास्ट काफी महीने में हुआ है, और हमें अच्छा रिटर्न मिल सकता है इसमें। तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही चीज करनी है दोस्तों, कि हमें ये लेवल जो है 238 का वो एक बार पार हो जाए, उसके बाद अगर आपने अभी तक पोजीशन नहीं बनाई है तो उसके बाद आप फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं।
बट अगर आप ऑलरेडी हैं तो आप काफी मुनाफा बना चुके हैं तो आप थोड़ा कर सकते हैं, और ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है। अगर आप बहुत लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप अपने वित्तीय सलाहकार के हिसाब से भी कर सकते हैं, और आपके वित्तीय सलाहकार अगर इसमें आपको अनुमति देते हैं तो आप इसमें अपनी पोजिशन बना सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।